अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार अभी सुबह के बजे 11:01 हुए होंगे। अभी मैं जाने लगा हूँ ट्यूशन, नाश्ता करके। नाश्ते में आज हैं 3 अदद देसी अंडे बॉयल हुए हुए और 7 सबस चाय। देसी अंडे का रात को मैं लाया था, ये नहीं कि दुकान से लाया था, देरे से लाया था मैं देसी अंडे रात को, तो वो बच गए थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो भी खुद खा लेते हैं। चेक करो जरा, फुल ब्राउन ब्राउन नहीं, इनका तो मजा भी अलग होगा, फार्म में अंडे तो फारग होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाकी भी खाते हैं ये, आपको मिलता हूँ ट्यूशन से आकर। परिंदों की सूरत हाल आपको मैं दिखाता हूँ। ट्यूशन से पढ़कर आ चुका हूँ, सामने मेरा घर है, बिल्कुल घर के सामने ट्यूशन है और सामने मेरे नानो भी बैठी हुई है। ये नानो, मैं ट्यूशन से पढ़ के आया हूँ। नानो जवाब नहीं देंगे, मैं ट्यूशन से पढ़ के। ये जल्दी आ गया है, जारी गाड़ी लाइक फाइक बच्चा वहाँ जल्दी जल्दी काम खरीदा हूँ। और ये सामने मोटरसाइकिल खड़ा है, यार आज मैंने मोटरसाइकिल का काम करवाना है। ये जो टॉपर है जैसे ये ब्लैक ना आता, उस तरह ये भी स्टिकर लगा रहेगा, बस टॉपर ब्लैक करवाना है। उस साइड वाला टॉपर सी सादा रहने देने। ऊपर से मेरा छोटा भाई मुझे वादे नहीं जा रहा है, बा 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 बा, इसको भी जाके देखते हैं क्या बोले जा रहा है। क्या ये लिखे हैं, क्या है? तो इसका मैं क्या करूं, फेंको इसको चवल। अभी बाबा जी हूं ही आगे जो आती हमारी अंडों पे बिल्कुल सही नहीं थी बैठी हुई। मैंने एक अंडा बना के चेक कर लेते, उसमें वेंस बनी हुई है, यानी कि अंडा फर्टाइल है। और अभी मैं इसको खुद ही अंडों पे बिठा देता हूँ, हाथ से पकड़ के। फिंचीज हमारे बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे डायमंड, आपने 2 अंडे दिए मुझे, अभी तक दूसरा अंडा नजर तो नहीं आया, लेकिन मामा ने कहा था कि मैं जब सुबह इनको दाना डालती हूँ, मैंने देखा था इनके 2 अंडे हैं। बोलो ना। हाँ बोल। ए तो जैसे मैं वीडियो ऑन करता हूँ इसकी खाप नहीं खत्म होती। और बाबा जी जो मैं कल पैंट शर्ट में आया था, कल मैंने बताया था, डियर दिखाई मैंने, कोई नहीं वो भी दिखा देता हूँ भैया आपको। बाकी परिंदों की बस ये सोचती हालत, दुआ करो इसके बच्चे निकल जाए। भैन दी सर ये हालत तो नहीं है, ये अंडे इधर पड़े होते हैं, उस साइड पर बैठी होती है। और आज मुझे 2 सपनियाँ याद करने को मिली हैं। पहले मैंने याद की हुई है, उन्होंने कहा कि रिवाइज करके आना, मैं तुमसे कल ही कहूँगी। मैथ का मैंने सारा बिल्कुल यस काम किया है। और उन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चन मुझे समझाए, एक एक मेथड वाला है, दूसरा वाला अलग मेथड वाला था, सारे मैंने फिर काट दिए ऐसे मिनटों में। क्योंकि आपको पता है आपका जो भाई है ना, वो वेरी लाइक फाइक बच्चा। बाकी अभी ये क्या, आपको मैं पैंट शर्ट दिखाता हूँ, फिर मोटरसाइकिल का काम करवाने जाता हूँ, तो आपको मैं वहाँ पर मिलता हूँ। हाँ एंड मैं जा रहे हैं, अब मैंने मोटरसाइकिल का काम करवाना था, लेकिन तला कहता है कि ये इसकी जो मुर्गी है ना, मुर्गा सॉरी आगे करना मुर्गा करे, इस मुर्गे को हुआ हुआ है जुकाम बड़े गंदे वाला, तो वो कहता है कि पहले चलते हैं डंगरों के डॉक्टर के पास, उधर जाके चेक करवाते हैं कि इसका क्या इलाज है। बाकी मुर्गा तो बड़ी टॉप क्लास के, आप लोग देख लो इसकी आंख का, चोंच का और पैरों का रंग बिल्कुल सेम है, और ऊपर से गर्दन भी इसकी बिल्कुल टॉप क्लास है। अब इधर आप पट्टा है बच्चा थोड़ा, तो इसलिए नौके शोके नहीं साई हुई, तो वो भी आपको मैं चेक करवाता। बाकी इंशाल्लाह मैंने भी रावण नस्ल का मुर्गा लेना है, जब गुजरात चक्कर लगाइए, यहाँ से भी मिल गया तो यहाँ से भी ले लूँगा। यहाँ पे असल मेरा महंगा बड़ा देते हैं, वहाँ से तो मैंने बस अपने दोस्त के पास लेने पैसे शैसों का सीन नहीं करना। और सामने मेरा दोस्त काजू भी है जो कि मुझे देख रहा नहीं था। आज क्या है, जुम्मे आज मंडे है, तो फिर बच्चों को नहीं जल्दी छुट्टी कैसे हो रही है? पेपर चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, हम तो स्कूल ही नहीं जाते, हम तो स्कूल ही नहीं जाते यार। ओ भाई वैसे बड़ी हंसी आई, हम तो मैं तो प्राइवेट पढ़ता हूँ, अगू मोड़ने ना, अगू मोड़ने ना मरे डगने वाला डॉक्टर की। बाकी अभी आपको मैं वापसी पे जब टापू का काम करवाने जाता हूँ ना, फिर दिखाता हूँ चोर, मैंने गाड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बाकी आपको वापसी पे मिलते हैं। अपने मुर्गों का करने क्या वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवा के, और बाकी दवाइयों का उन्होंने दे दिया है, ये कतरे लेने हैं 5-5 कतरे, सारे मुर्गे जितने भी हैं सारों को पिला देना। बाकी अभी सामने से वैक्सीन लगवाते हैं, फिर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। बाबा जी अभी मैं टापे तैयार करा के आ गया हूँ, और ये चेक करो यार क्या लग रहा है मोटरसाइकिल, पाई करा लेने साइड से ऐसे, ये साइड बिल्कुल सिंपल, यहाँ से चेन कवर, और ये वाली साइड सारी टॉप क्लास का मोटरसाइकिल लग रहा है भाई, ओपी हो गया फुल। बाकी भी जा रहा हूँ मैं चिकन लेने, तो आपको मिलता हूँ, आप घर पहुँच के पैंट शर्ट आपको दिखाता हूँ। मैंने चिकन घर दे दिया है, और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी क्या नाम है हामिद से मिलने, हामिद बेचारा उधर अकेला है,
तो मैंने कहा उसके ज़रा दिल नहीं लगा होगा, थोड़ा उससे मिल लेते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे उधर, फिर मैं भी आ जाऊँगा घर। और घर जाके अब आपको मैं पैंट शर्ट दिखाऊंगा, बार बार बोली जाऊँ दिखा रहा मैं कोई नहीं, अब आपको मैं घर जाके दिखाता हूँ। मैं और रस्ते में कोई ब्लॉग व्लाग नहीं बनाऊंगा, वहाँ पे पहुँच के हो सकता है बना लूँ, तो आपको मैं फिर अब देखते हैं क्या करता हूँ। यार जैसे कि आपको पता है कि आगे मैं चिकन लेने गया था, तो चिकन ले के आने का कोई मकसद भी होता है, ठीक है। तो मकसद ये था कि बनाना था पुलाव, अभी पुलाव बन के आ चुका है, मैं लेने ले कर वैसे, और साथ में शांति तरह प्याज टमाटर वाला रहता हो है, गर्म गर्म मैं चेक कर दूंगा नहीं करा। बाकी भी पुलाव खाते साथ मिस्टर जे प्लेस की स्ट्रीम देखते हैं, और फिर आपको मैं मिलता हूँ बाद में। मैं जा रहा हूँ और बाबा जी चादर ही मैंने ली हुई है, कपड़ा देने के लिए दोनों बिल्कुल ठीक प्यार में बच्चे बैठे हैं ये दोनों भी, लेकिन ये जो है ना ये बड़ी खोखी ही बच्ची है, अंडा एक साइड का पड़ा है, मुझे इस तरह बैठी है, अभी इस तक कपड़ा देते हैं, आप चौक पे बैठाऊंगा इसको, फिर अभी आपको मिलता हूँ बाद में इशा की नमाज पढ़ने के बाद। तो यार जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो सब्र यहाँ पर खत्म होता है, यस। तो यार ये है मेरी पैंट, दो मिनट आपको मैं सही से दिखाता हूँ, 30 वेस्ट है मेरी, 30 वेस्ट, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत पतला हूँ। ये पैंट है मेरी, ये है जी नहीं, ये मेरी गुची से मैंने ली है पैंट, जो कि मुझे पड़ी है अराउंड अबाउट 1500 मिलियन डॉलर की पड़ी है मुझे ये पैंट, इसको साइड पे कर देते हैं। ये है आपकी बाइक की जैकेट, जो कि मैंने लिया है ज़ारा से, ज़ारा लड़की का नाम नहीं है, ब्रांड का नाम है, ज़ारा ब्रांड है, उससे आपके भाई ने ये शर्ट्स लिए हैं, और सॉरी जैकेट। और ये मुझे अराउंड अबाउट मिली है, ये ऐसे बंद भी होती है, इसके फंक्शन बड़े हैं, लेकिन मैं बंद नहीं करूँगा, वो भी आपको मैं आगे बताऊँगा क्यों नहीं करूँगा। ये मुझे राउंड अबाउट में पड़ी है 2200 मिलियन डॉलर की, ये पड़ी है, आपको पता है कि 1000 मिलियन डॉलर से नीचे की मैंने कोई आज तक चीज़ नहीं ली। और ये है आपकी बाइक की पसंदीदा, इसको हाईना कह लो जो मर्जी कह लो, लेकिन यार ये बहुत प्यारी है, ब्लैक कलर में भी आए थे, लेकिन ये ना सारा फिर ब्लैक नहीं सही रहता, ये नीचे वाइट कॉपी लगती है, अब मैं जिस दिन पहनूंगा तब आपको दिखाऊंगा। ये मुझे राउंड अबाउट मिली है, ये ज़रा सस्ती है, ये मैंने उधर से ली थी वर्साचे से ली थी वर्साचे, ये मुझे राउंड अबाउट पड़ी थी 950 मिलियन डॉलर की, ये मुझे 950 मिलियन डॉलर की पड़ी थी। टोटल आपकी बाइक की शॉपिंग जो हुई है ना ये सारे मिला के वो मेरी हुई है 5000 मिलियन डॉलर की हुई है, सस्ती आपको पता है मैं शॉपिंग नहीं करता। ये अब इधर ही पड़ी रहेगी, मामा आएंगे तब आके ये सारा सेट करेंगे, और सामने मूँगफली का गंद भी पड़ा हुआ जो कि मैंने अभी खाई है। बाकी अब यही थी आज का व्लॉग, बाकी इस व्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, फी मानिला अल्लाह हाफिज़।